लास्ट टाइम हमने, आपको याद होगा, हमने एक्सपेरिमेंट्स की जस्टिफिकेशन, एक्सपेरिमेंट्स की जनरल डेफिनेशन, उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, और उसके बाद हमने ये देखा कि एचटी मेथड में जब जो एक्सपेरिमेंट की प्लेसमेंट है वो एक खास जगह के ऊपर है, और वो खास जगह है जब हम इम्प्लीकेशंस को टेस्ट करते हैं जो हमारे हाइपोथेसिस की इम्प्लीकेशंस हैं, और देन वी मूव टू द वे ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने दोबारा से वी वेंट बैक और हमने हाइपोथेसिस बिल्ड किया, उसकी इम्प्लीकेशन देखी, उसको टेस्ट किया, एंड वी रीच्ड सम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, जिसमें हमने, अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि कंट्रोल इंटरवेंशन इन दी बैकग्राउंड टारगेट वेरिएबल एंड और बैकग्राउंड वेरिएबल्स, पहले हम कंट्रोल में कर लेंगे, देन वी वुड इंटरवीन इनटू द टारगेट वेरिएबल, हम सिस्टम को मैनिपुलेट करेंगे, एंड देन वी वुड फाइंड आउट कि हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो है वो हाइपोथेसिस के बारे में क्या कहते हैं। ये एक किस्म की एक ऑब्जर्वेटरी तरीका के तौर पर देखा है। देन उसके बाद हमने ये देखा कि ऑब्जर्वेशनल स्टडीज जो है वो ऐसी भी हैं जो प्रॉपरली इन तमाम चीजों में, बैकग्राउंड फैक्टर्स को देखने में, कंट्रोल करने में, इंटरवेंशन में, मैनिपुलेशन में, दे आर नॉट, ये बात नहीं है कि एक्सपेरिमेंट्स एक होमोजीनियस एंटरप्राइज है, बल्कि ऐसी है कि कभी हमारे पास कोई किसी चीज किसी ऐसा एरिया एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जिनमें हमारे पास मैनिपुलेशन की कम डिग्री ऑफ मैनिपुलेशन इज अलाउड। कभी कभी ये कि बैकग्राउंड फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, कभी कभी हम इस तरह भी करते हैं कि हम सिंपल कंप्यूटर्स के ऊपर ही सिमुलेशंस कर लेते हैं, यानी हम कुछ भी कंट्रोल करना चाहें तो हम उसको मैथमेटाइज करते हैं, मॉडल करते हैं, मॉडल करके हम उसको एक सिमुलेशन स्टडी बना लेते हैं, जिसमें हमारे पास जाहिर है कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप और ये तमाम चीजें जो है इनसे हमें, इनकी बजाय हमारे पास एक कंप्यूटर आ जाता है, विच इज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर लैब जिसके अंदर हम ये सारा काम। यहां तक बात करने के बाद भी रीच थी, यहां तक हमने लास्ट टाइम बात की थी, और आज हम ये देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट्स में, जाहिर है जब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो उन एक्सपेरिमेंट्स में कोई ना कोई एरर्स भी होंगे, और वो एक्सपेरिमेंटल एरर्स के केस में हम ये एक प्रिंसिपल लेते हैं, दिस इज अ प्रिंसिपल स्टेटमेंट, और वो ये है कि कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि एक खास तरीके पे, एक खास मखसूस सेंस में एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। ये एक्सपेरिमेंट कभी फेल नहीं होगा, और जिसको भी हिस्टोरिकली फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स कहा जाता है वो भी बेसिकली फेलियर ऑफ एन एक्सपेरिमेंट डज नॉट मीन दैट इट इज फेल्ड इन अ सेंस ऑफ बीइंग नॉन प्रोडक्टिव। ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव फेलियर्स कौन से होंगे? वो फेलियर्स वो होंगे जिनमें हमारे पास हम उनसे कुछ इंटरेस्टिंग बात रिजल्ट ना निकाल सकते, तो हमारे पास एक दो डिवीजन बन जाएंगी, यानी इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि प्रोडक्टिव फेलियर्स और नॉन प्रोडक्टिव फेलियर्स। ठीक है, यानी कि ऐसे फेलियर्स, ऐसी नाकामियां जिनसे हमें कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा, और ऐसी नाकामियां जिनसे हमें बहुत फायदा हासिल हो रहा है। तो ये तो आप देख ही चुके हैं कि एक्सपेरिमेंट्स एक टेस्ट्स हैं, और वो बहरहाल वो हाइपोथेसिस को या तो फॉल्सिफाई कर देंगे, ठीक है, और या फिर वो कंटिन्यू रहेंगे, हमें मजीद एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, उनके रिजल्ट्स जो है वो कंक्लूसिव नहीं होंगे। तो वी स्टार्ट विद फेमस एक्सपेरिमेंट एंड वी यूज इट एज अ स्मॉल सॉर्ट ऑफ केस स्टडी, जिससे हमें ये पता चल जाए कि दुनिया में जिसको हम, जब हम ये कहते हैं कि जी एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए, यानी कि ये फेमसली कहा जाता है कि मॉर्ले और मिथिलसन का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, अभी हम देखते हैं इसका ये एक्सपेरिमेंट क्या था, और लेकिन हम विल सी कि हाउ प्रोडक्टिव दैट फेलियर वॉज, यानी ये एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था बट इट्स अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव फेलियर, राइट। तो कैसे, जस्ट अ क्विक हिस्ट्री
कि मिचेलसन जो है ही वॉज अ फिजिसिस्ट, मॉर्ले वॉज अ फिजिकली अ केमिस्ट, बट ही वॉज अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंटर। और उस जमाने में आज की तरह एक्सपेरिमेंट्स एक स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन था, जो के थियोराइजेशन से बड़ा हट के था। यानी आप थियोराइजेशन करना या मैथमेटिकल मॉडलिंग करना या फिजिक्स डायनामिक सिस्टम्स बना के उनके साथ प्ले करना ऑन पेपर इज क्वाइट डिफरेंट देन आर फोर्थ स्टेप ऑफ टेस्टिंग द इम्प्लीकेशंस। यानी हाइपोथेसिस बना लेना, हाइपोथेसिस से इम्प्लीकेशंस ड्रॉ करना, और तब तो बात इज मोर मोर और लेस लॉजिकल। यानी इफ यू आर गुड इन लॉजिक, यू आर गुड इन योर एनालिटिकल बैकग्राउंड एंड यू नो द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, यू कैन इजीली, ऑफ कोर्स नॉट इजीली बट स्टिल वेरी सक्सेसफुली रीच टिल ड्राइंग ऑफ इम्प्लीकेशंस। मगर उसके बाद जो टेस्टिंग ऑफ इम्प्लीकेशंस है वो एक बहुत ही उस जमाने में भी डिफिकल्ट काम था और आज भी एक डिफिकल्ट काम। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि 1879 में मिचेलसन जो है वो एक एक्सपेरिमेंट कर चुका था, जिस जो कि इटसेल्फ एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, लेकिन आप उसको हम अभी तक डिस्कस नहीं कर रहे। बहरहाल उसके नतीजे में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मेजरमेंट की जा चुकी थी, एंड दैट वाज एज यू नो इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इस तरह तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से लोगों को पता था कि जी तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट, यानी एक अच्छे अंदाजे के मुताबिक इट वाज अ वेरी गुड मेजरमेंट। और ये अच्छा डिवाइस के बारे जी क्या कहा आपने? सॉरी सर, माइक खुला था। ओके, नो प्रॉब्लम। तो न्यूटन ने इसके बाद दिया कि अब ये तो उसके पास, यानी मिचेलसन के पास ये एक फैक्ट पहले से मौजूद है, तो ये तो एक एग्जिस्टिंग फैक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, आपने इसको जरा इसकी ट्रेन ऑफ थॉट को जहन में रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें ऐसी आएंगी जो हम पहले से, जिससे आपको रियलाइज होगा जो हम पहले चीजें पढ़ चुके हैं वो देखिए कैसे अप्लाई हो रही होती है। सो दिस वॉज अ बैकग्राउंड फैक्ट जो कि आप समझें कि वेल नोन था कि स्पीड ऑफ लाइट ये हो चुकी है। ठीक है, इससे भी पहले अगर जाएं, यानी थोड़ा सा इससे पास्ट में अगर हम जाएं, तो ये बहस थी, यानी दिस वाज अ डिबेटेबल आर्ग्यूमेंट, कि न्यूटन का ये कहना था कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल की तरह, यानी एक जर्रा है, और वो हीट और रेडिएशन और ऐसी इन इस तरह के पैटर्न्स के साथ उसकी नेचर जो है ना, ट्रू नेचर लाइट की, वो एक पार्टिकल के नीचे। न्यूटन का जो बहुत जो न्यूटन से जो इस मामले में उससे फुली डिसएग्री करता था वो हुक था, और हुक के व्यू में जो है वो जो लाइट थी उसकी ट्रू नेचर जो है वो एक वेव थी। लेकिन बहरहाल तकरीबन 1880s तक, यानी इस दौरान जिस वक्त ये काम हुआ उस वक्त तक ये बात फिक्स हो चुकी थी और साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात पे एग्रीड थी कि हुक वाज राइट एंड न्यूटन वाज रॉन्ग। तो लोग इस पे साइंटिफिक कम्युनिटी में जनरल एग्रीमेंट पाया जाता था कि लाइट इज अ वेव। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस बात को करें ना कि लाइट इज अ वेव, तो अब देखिए अभी तक ये बात किस नतीजे पे है, ये कुछ कंजेक्चर ही है ना, यानी एक किस्म का गैस था, एक अच्छा गैस था कि वाइल्ड लाइट इज अ वेव। और इसके लिए जाहिर है लोगों के पास लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी थे, और उनके पास सबसे बड़ा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये था कि लाइट जो है वो सम इट इज लाइक साउंड, यानी एक साउंड लाइक फिनोमिन है। ठीक है, साउंड लाइक फिनोमिन है, और चूंकि हमारी आंखें जो हैं पीछे, जाहिर है काफी फलसफियाना आर्ग्यूमेंट भी थे लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे। अगर आप उसकी हिस्ट्री स्टडी करेंगे तो आपको उसमें भी उसी तरह डिसएग्रीमेंट्स मिलेंगे जैसे हम पहले ग्रेविटी की एग्जांपल को लेके कुछ कुछ हफ्ते पहले कर चुके हैं। तो लाइट के केस में लोगों का था कि ये साउंड लाइक है। अब आप सब जानते हैं कि साउंड जो है वो हमारे कान के पर्दे तक, हमारे ईयर ड्रम्स तक कैसे पहुंचती है। यू वी नो उस वक्त भी लोगों को ये बात मालूम थी कि
एयर जो है वो कंप्रेशन होती है एयर में, और साउंड जो है वो एयर के मीडियम को यूज करती है, यानी साउंड के लिए हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ मीडियम ऑफ, इसको ब्लू कर लो कि ये एक मिसाल के तौर पे ये एक मीडियम है और दिस इज एयर, और साउंड जो है वो इसके अंदर से जब आती है साउंड की वेव, और ये हमारा अगर हमारा कान का पर्दा है तो साउंड जो है वो इसके अंदर से मूव करते हुए आती है, और ये ईयर ड्रम के ऊपर जो वाइब्रेटेड साउंड अपनी मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज से आती है उन फ्रीक्वेंसीज को ईयर ड्रम पकड़ लेता है एंड वी ट्रांसलेट इट इनटू, हमारा दिमाग उसको मीनिंगफुल समझता है और उसको ट्रांसलेट करता है, ठीक है। और आपको पता है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ अल्फाज के साथ ही ऐसा हो, म्यूजिक है और भी आवाजें हैं जो इंसान निकालते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स निकालते हैं, तो हमारा कान जो है उन सब आवाजों को डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर है कि साउंड जो है वो आती है तो वो किसी मीडियम के अंदर से आती है, सो दिस मीडियम वॉज वेल नोन कि ये जो मीडियम था ये एयर था। तो व्हेन दैट वाज एग्रीड कि साउंड की तरह का फिनोमेना है लाइट भी, सो इट वाज लॉजिकली वेरी वेरी डिड्यूसेबल फैक्ट कि वेव्स भी किसी ना किसी मीडियम से पास करती होंगी, यानी पीपल थॉट कि वेव्स भी, जब आप साउंड के लिए ऐसी बात करते हैं कि वो एक मीडियम से पास करती है तो वेव्स भी मीडियम से आती होंगी। तो देखिए ये एक किस्म की डिडक्शन आप इसको कह लें, एक एक सेट ऑफ प्रेमिसेस के नतीजे में इट वाज अ गुड डिडक्शन एंड वेरी वैलिड सॉर्ट ऑफ डिडक्शन, ठीक है। बात यहां तक बात समझ गए आप लोग। अब इस डिडक्शन की बेस पे ये बात हाइपोथेसाइज हुई या ये हाइपोथेसिस डेवलप हुआ कि लाइट मस्ट बी मूविंग, या हम इसको मस्ट बी की जगह हम ये तो मैंने लिख दिया ना, हम इसको इस भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने तो एक हाइपोथेसिस अगर बना लें तो अभी हाइपोथेसिस इज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू अ फैक्ट, आई वी नो कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ कंजेक्चर, इट्स अ गेस। तो हाइपोथेसिस ये था कि जी लाइट इज मूविंग थ्रू अ मिस्टीरियस मटीरियल, ये एडजेक्टिव भी समझे मेरा ही लिखा है, मैंने ही बनाया लिखा है ना, ये तो मेरी अंग्रेजी है, तो आप मिस्टीरियस का लफ्ज बेशक काट दें, मैंने तो ये चीज लिखा कि वेल नोन तो नहीं था ना कि क्या चीज क्या मटीरियल है, बट एटलीस्ट ये बात करनी दुरुस्त है कि लाइट मूव्स थ्रू अ मटीरियल ईथर। अब जाहिर है वो एक मिस्टीरियस मटीरियल है क्योंकि उस मटीरियल के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, अगर कोई पूछे कि देन आप हाइपोथेसाइज करें कि लाइट इज मूविंग थ्रू अ मटेरियल ईथर, और मैं कहूं, मैं नेचुरली आपसे पूछूंगा ना कि व्हाट इज ईथर, तो अब आप सोच में पड़ेंगे कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं। सो बात यानी साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात के ऊपर थी, यानी ये हमारा आप समझें कि द बॉटम लाइन इज कि इसका मतलब ये है कि ईथर की जो है वो प्रॉपर्टीज जो है वो उसकी ईथर की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, अब जब ईथर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं तो लोगों ने उस पर भी जाहिर है गेस किए, और यानी कि आप देखें लॉजिकल गेस तो तमाम साइंसदान करते ही, और हमने उसके अंदर बहुत डिटेल में लॉजिक को देख ली। सो The properties can be के एक बात तो ये की जा सकती थी कि ईथर जो है वो बहुत लाइट होगा, ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि लाइट उसके बीच में से गुजर जाती है, और अगर वो एक बहुत हार्ड मटीरियल होता तो हमारे पास ये जो अर्थ की मूवमेंट चल रही है और ये जो सन है, ये चीजें जो है जब ईथर मूव करता तो इनके मोशन या इन चीजों की स्पीड्स में हमें वेरिएशन नजर आती, ठीक है, इनको इनमें हमें नजर आता कि ये मूव ईथर जो है वो इनको किसी वजह से इनको अफेक्ट कर रहा है, लेकिन ये बात तो नजर आती है कि वो इस तरह नहीं था, वो एक ना नजर आने वाला था एंड वेरी लाइट सॉर्ट ऑफ मटेरियल, ये वाला लाइट का मतलब है बहुत हल्का या लाइट टू कैरी, ठीक है। और फिर ये भी था कि वो इतना लाइट है और साथ ही सॉलिड्स को अलाउ करता है पास करने में, सॉलिड्स कैन पास थ्रू इट, जैसे कि जमीन है, मुख्तलिफ सयारे हैं,
ठीक है, तो ये इसके बीच में से गुजर रहे हैं और ये तो वेल नोन है कि जी लाइट ही की तरह लाइट भी गुजर रही। सो दे स्टार्टेड कॉलिंग इट ल्यूमिनिफेरस ईथर, यानी वो ईथर जिसमें से लाइट जो है वो मीडियम जिसमें से लाइट पास कर सके। ठीक है, और आप अगर ईथर को देखेंगे इसकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, ओल्ड टाइम से चला आ रहा है कि कोई ना कोई ऐसा चीज मौजूद है। ठीक है, सो ये भी एक पुरानी आप समझें कि नेचुरल फिलोसॉफिकल बातें भी पुरानी आप समझें इसमें कैरी कर, ये कॉन्सेप्ट इसको कैरी कर। ठीक है, सो दे कंक्लूसिवली दे सेड के जी इस सारे का कंक्लूजन नहीं निकला कि इट मस्ट बी काइंड ऑफ ब्लोइंग विंड, राइट। यानी लोगों का ये व्यू निकला कि जी फिर ईथर जो है वो भी एक किस्म का हवा की तरह की एक चीज होगी जो कि मूव कर रही होगी, उतनी तेज तो नहीं कि हम महसूस कर सकें, उससे तो लाइटर, ठीक है, लेकिन चूंकि लाइट को बहरहाल वो उसकी लाइट उसके बीच में से मूव कर रही है और लाइट ही को वो कैरी भी कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, अब जब देखें ये हाइपोथेसिस बना, इसकी ये सब इम्प्लीकेशंस बनी, सो नेक्स्ट सवाल ये हुआ कि जी डिटेक्ट किया जाए इसकी डिटेक्शन, और डिटेक्शन का मतलब ये है ना कि आप इन इम्प्लीकेशंस को टेस्ट करेंगे। तो इस तरह से मिचेलसन और मोरले इस बैकग्राउंड के साथ दोनों इकट्ठे हुए, एंड मोरले जो है वो पहले भी एक्सपेरिमेंट्स कर चुका था, डिटेक्शन का भी एक्सपीरियंस था, एंड दे सेड के वी डिजाइन अ एक्सपेरिमेंटल सिस्टम जिसमें हम इसको इसके ऊपर हम काम करते हैं। और मोरले के केस में इस पिक्चर को जरा भी आप दो मिनट ना देखिए, तो अगर आप अपनी आईज को इस कोने में रखें तो मिचेलसन के बारे में कई जगह पब्लिश्ड है और लिखा हुआ है मुख्तलिफ किताबों में कि ही वॉज टीचिंग, वो अपने बच्चों को ये कहानी की तरह उसने, इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। आप उस जमाने में सोचे ना कि एक मिस्टीरियस मटीरियल है और लोग हाइपोथेसाइज कर रहे हैं कि उसके बीच में से लाइट गुजर के आती है, तो फिर लोगों को चाहिए कि वो उसको ढूंढने की कोशिश करें। तो मिचेलसन ने ये कहा कि जी वो बच्चों को अपने कहानी सुना रहा था और उस कहानी में समझें कि एक वो रियाजी की पहेली कह लें या मैथमेटिकल पहेली, और वो पहेली कुछ इस किस्म की थी, हम मैं जस्ट आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए मैं उसको हल्का सा बता देता हूँ, हम उसके ऊपर कोई काम तो नहीं करने का इरादा रख रहे या एक्सपेरिमेंट तो दोबारा से नहीं करना चाह रहे, लेकिन अगर आप में से कुछ लोग कभी करना चाहें तो यू शुड हैव द कॉन्सेप्ट कि ये एक्सपेरिमेंटल सिस्टम बाहर कैसे बना। ठीक है, तो ही सेड कि जी ये एक आप समझें कि एक रिवर नदी है, बहरी है, और इसका लेट्स अज्यूम कि इसका फ्लो जो है वो इस तरह है, यानी हम कह देते हैं कि ये इसका फ्लो की डायरेक्शन है। ठीक है, और इस फ्लो की डायरेक्शन में मैं ये छोटी सी वेव्स इस तरह बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि दरिया है। ठीक है, तो उसने ये कहा कि जी इसका नदी का जो विड्थ है इस दरिया की, वो एज्यूम कर लेते हैं हम के वो डब्ल्यू, डब्ल्यू मीटर्स कह रहे हैं। ठीक, तो और इधर से जाहिर है इसका एक फ्लो है, तो हम फ्लो भी कह लेते हैं कि जी एफ, लेट्स से एफ मीटर पर सेकेंड, और विड्थ जो है वो इसकी डब्ल्यू मीटर्स। ठीक है, ये बात समझ आ गई, तो ये इस तरह से फ्लो कर रही है। अब उसने ये कहा कि बच्चे ये प्रूव करने के लिए जस्ट लाइक अ स्टोरी, ही टोल्ड हिज चिल्ड्रन वन इवनिंग कि अगर मैं दो मेरे पास स्विमर्स हो, स्विमर ए एंड स्विमर बी, ठीक है, तो इनकी रेस इस तरह से लगे इन दोनों तैराकों की कि ए जो है वो डब्ल्यू को पार करे, यानी पूरी लेंथ जाए यहां तक, यानी ही टेक्स इट हियर, यहां तक पहुंचे दूसरे किनारे तक, और किनारे से फिर आए वापस। ठीक है, तो इसने कितना डिस्टेंस तय कर लिया, एज्यूम कर लें कि फ्लो तो हो रहा है, जाहिर है वो बिल्कुल इधर तो नहीं आएगा ना ही वो बिल्कुल यहां पहुंचेगा,
लेकिन अगर फर्ज किया जाए कि वो ये डब्ल्यू पार करे और यहाँ पे आए विद द इफेक्ट्स ऑफ फ्लो आए, तो टोटल डिस्टेंस थियोरेटिकली हाउ मच डिस्टेंस ही वुड ट्रेवल, यानी उसका टेस्ट कितना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे। जी यानी जाए और आए तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 2W, ठीक है ना। तो इसका मतलब है उसने जो टोटल डिस्टेंस ए ने ट्रेवल किया दैट इज 2W, ठीक हो गया। और जाहिर है कि 2W उसने 2W इन सम टाइम, तो हम ये कह देते हैं कि 2W इन लेट्स से हम कह देते हैं x, सेकंड में तो नहीं आया x, x मिनट्स के, ठीक। तो ये अगर अब बी को, बी का टेस्ट ये हो कि बी इसको पार नहीं करेगा, लेकिन ये इसके लिए भी जाहिर है मुश्किल है, इसने रिवर के दूसरी तरफ जाना है और वापस आना है, तो फ्लो इसको तो अफेक्ट करेगा। हम ये कंप्यूट कर सकते हैं ना कि वो कितना करेगा, अगर हमें एफ दिया गया हो, डब्ल्यू दिया गया हो, इसकी स्विमिंग की स्पीड दी गई हो, ठीक है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं और एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों की स्पीड एक जैसी। तो देखिए अगर हम इस ये टाइम कैलकुलेट कर लें और पहुंच जाएंगे एक्स मिनट से, तो बी जो है वो भी, अगर बी के लिए हम कहें कि तुमने सीधे नहीं जाना बल्कि तुमने अपस्ट्रीम जाना है, यानी देखिए ना ये डायरेक्शन क्या है, ये डाउन है, डाउन स्ट्रीम है, यानी जहां पे बहाव है, और ये डायरेक्शन है अपस्ट्रीम। तो हमें बी के लिए ये टेस्ट रखा जाए कि बी इस साइड पे डब्ल्यू चले, यानी जितना डिस्टेंस ये है उतना ही हम इधर ले लें, और कहें कि बी इधर से डब्ल्यू जाएगा यहां पे, यानी ही विल मूव टुवर्ड्स हियर, और फिर वो वापस आएगा इसी जगह पे जहां पे गया था। तो वो भी बी भी नजर आ रहा है कि बी भी का भी टेस्ट तो यही है कि वो 2W चलेगा, और बी जो है वो आएगा लेट्स से y मिनट्स, ठीक है। सो द क्वेश्चन वॉज के उसने अपने बच्चों से ये कहा कि लेट्स कैलकुलेट कि ए जीतेगा ये रेस या ये रेस बी जीतेगा, अगर दोनों एक जैसे समय, अगर तो फर्ज कीजिए अब अगर फर्ज करें कि ए और बी का एक्स और वाई बराबर है, इफ इसका मतलब ये हुआ ना कि एक अगर एक्स और वाई बराबर है और डिस्टेंस कांस्टेंट है डब्ल्यू, 2W, तो इसका मतलब है कि ये जो फ्लो है, अगर फर्ज कीजिए फ्लो ना होता यानी एफ अगर जीरो होता, तो फिर तो देखिए बात बड़ी क्लियर है ना कि अगर जीरो होता एफ, तो फिर हम यूं कह सकते हैं, बल्कि इसको यूं लिख सकते हैं कि इफ एफ इज जीरो देन हम रिड्यूस कर सकते हैं कि एक्स और वाई इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों एक जैसे स्विमर हैं, दोनों को हम कहेंगे भाई फ्लो का तो बात ही नहीं है, फ्लो तो वैसे ही जीरो है, तो हम उनकी स्विमिंग की स्पीड्स देखेंगे, हमें पता है कि जी दोनों की एक ही स्पीड है, लेट्स से z मीटर पर सेकेंड वो स्विम करते हैं, तो वो दोनों w मीटर स्विम करना चाहते हैं, ठीक है, तो w मीटर स्विम करना है और z मीटर, तो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, दोनों का जाहिर है कि टाइम बिल्कुल एक जितना ही होगा, लेकिन इफ f is not equal to 0, then x will not be equal to y, ठीक, क्योंकि दोनों की स्ट्रीम, और इससे हमें यह पता चल जाएगा कि अगर x y हुआ, अगर दोनों एक ही टाइम में आए, हमने क्लॉक ले ली और दोनों एक में आए, तो हम कह सकेंगे कि फ्लो का, या तो फ्लो का कोई इफेक्ट ही नहीं है, और या फिर यह है कि फ्लो है ही नहीं, यानी कुछ फ्लो मौजूद ही नहीं, सो why not test this? इस कॉन्सेप्ट में, यानी ये उसकी कॉन्सेप्चुअल आप कह लें बेसिस थी एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने की, और उस एक्सपेरिमेंट को उसने कहा कि जी हम इंटरफेरोमीटर के नाम से, उसने मिचेलसन ने इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया, एक इंस्ट्रूमेंट कह लें, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप कह लें पूरा, ठीक है, जिसमें उसने कहा कि जी एक लाइट की सोर्स होगी,
लाइट होगी, और लाइट की साथ जो है हम इधर एक बीम स्प्लिटर लगाएंगे, यानी जो हाफ सिल्वर्ड मिरर होगा वो आधी रोशनी को उसको 45 डिग्री पे लगाया जाएगा, तो ये करेगा कि आधी रोशनी उसमें से आगे निकल जाएगी, यानी अगर इधर से वन आ रही है तो हाफ ऑफ इट वुड गो हियर एंड हाफ ऑफ इट वुड गो हियर, ठीक है। और इन मिरर्स का रिफ्लेक्शन इंडेक्स इस तरह रखा गया कि जी इन मिरर्स से जब वापस आएगी तो अब आधी इससे भी आधी वापस आएगी, यानी 1/4, और इससे भी 1/4 वापस आएगी, ये भी तो रिफ्लेक्ट करेंगे ना, ठीक है। तो जब रिफ्लेक्शन होगी तो आप रिफ्लेक्शन के वक्त ये डिटेक्टर जो है, यानी इधर से तो दोनों गुजर जाएंगी, इसमें तो कोई, ये अब यूं समझिए कि स्विमर्स ने डब्ल्यू का हिस्सा तय कर लिया और अब वो वापस आ रहा है, ठीक है। तो वापसी के वक्त ये डिटेक्टर एक लगा हुआ है, ये समझे आप बैठे हुए हैं और अब आप देख रहे हैं कि जब ये वापस आते हैं तो क्या दोनों एक ही टाइम पे वापस आते हैं या इन दोनों के वापस आने का टाइम फर्क है। अगर तो दोनों एक ही टाइम पे वापस आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई फ्लो नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बीच में से लाइट गुजर रही है। और अगर दोनों मुख्तलिफ वक्त पे आते हैं और फिर आप उन मुख्तलिफ वक्त की कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके उनको भी स्टैंडर्डाइज देख सकते हैं कि ये एंगल्स बदलने से, यानी फर्ज करें ये एक थीटा है जो 45 डिग्री है, तो आप इस थीटा को भी वेरी करें और एज पर योर प्रेडिक्शंस आपको पता चले तो यू कैन फाइंड आउट मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। यानी अगर आपको फिर पता चल जाएगा ना कि ईथर की डेंसिटी क्या है, ईथर कितना अफेक्ट करता है, लाइट कितनी स्पीड में ईथर से गुजरती है, ये सारी बातें आप फिर बता सकेंगे कि डीज, ये भी डीज आपको नोन है, तो आपको देखें थीटा भी नोन है, आपको डी भी पता है, आपको इनके रिफ्लेक्शन इंडेक्स भी पता है, लेट्स से जीटा या जो भी हम रिफ्लेक्शन इंडेक्स कहें, रो कह लें आप, ठीक है। तो वी कैन इजीली फाइंड आउट के इसके अंदर कितना हमारा मतलब कंप्यूटेशंस की बेसिस पे हम निकाल सकते हैं कि ईथर किस किस्म। लेकिन हुआ क्या, रिजल्ट्स क्या थे एक्सपेरिमेंट्स के, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ये थे कि आप यूं कह लीजिए कि एक्स वाज इक्वल टू वाई, यानी इससे ये पता चला कि अब हमने देखे ना दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि फेल्ड इन अ सेंस कि ईथर उसको नहीं मिल सका। एक्सपेरिमेंटर्स तो ईथर को पक्का मान के चले थे ना, यानी हाइपोथेसिस उनका कंजेक्चर जो था वो तो यही था और दे वर एक्चुअली वेरी क्लियर कि ये हो, यानी मिचेलसन और मोरल दोनों का ख्याल था कि ईथर पक्का होता है मौजूद, बट वंस दे वर अनएबल टू फाइंड इट पीपल सेड के दे फेल्ड, बट लेटर इट टर्न्ड आउट के दे वर नॉट एग्जैक्टली फेल्ड बट इट वॉज अ प्रोडक्टिव फेलियर। और वो प्रोडक्टिव फेलियर कैसे था, यानी उस फेलियर से हमें यह पता चल गया कि देर इज नो मीडियम ईथर, तो ये भी तो पता चला ना, एंड दैट इज बाय फॉल्सिफिकेशन, या वो अभी आप हम पढ़ आए हैं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। सो एक्सपेरिमेंटल एरर्स की ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल है, और आपको इस तरह की और भी बहुत मिसालें मिल जाएंगी, और दैट इज वाई पीपल लाइक एडिसन जो यू नो के दी वॉज द इन्वेंटर ऑफ द लाइट बल्ब एंड मेनी अदर इन्वेंशंस लाइक मोर देन हंड्रेड ऑफ इन्वेंशंस, एडिसन सेड के मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, मुझे नाकामी बेसिकली या फेलियर क्या उसे बताता है, उसे ये बताता है कि ये वो एक और रीजन मिल जाती है जिसकी वजह से वो काम नहीं हो सकता, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना, अगर आप वो ट्राई ही नहीं करेंगे तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि फलां बल्ब का फिलामेंट जो है वो चलता है या नहीं चलता, ठीक है, टंगस्टन चलता है या एल्यूमिनियम चलता है या कॉपर चलता है, या जाहिर है आप मुख्तलिफ धातें को आजमाएंगे तो ही पता चलेगा ना कि बल्ब में कौन सी धात जो है वो ठीक चली। आज आप देख रहे हैं कि बल्ब जो है वो कितना कितने आवर्स जो है वो जलते रहते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल एरर्स में ये बात अहम है कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस है ना वो इटसेल्फ एक पावरफुल एविडेंस होती हैं अगर हमारा प्रोसेस करेक्ट,
ठीक है, अगर कोई ये सवाल उठा दे कि जी आपने तो ये डी को ही नहीं चेक किया, डी दोनों डी ये डी वन था और ये डी टू था और आप तो ये गलती कर बैठे कि डी वन वॉज नॉट इक्वल टू डी टू, ठीक है, या आपके तो मिरर्स ही कोई अच्छे नहीं थे, तो अभी भी आप देखिएगा यू कैन गो इन गूगल एंड यू वुड नो कि मिचेलसन मॉर्ले का एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना भी एक बहुत मुश्किल काम है, इट वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसको अभी दोबारा रिपीट करना भी एक पूरा पूरा प्रोजेक्ट, ठीक है। सो मिल का मेथड ऑफ डिफरेंस जो है वो हमें जस्ट अगर हमारी assumptions ठीक होंगी तभी वो conclusions को justify करेगा, अगर आपका hypothesis properly conjecture ही नहीं हुआ हुआ, that's why मैंने आपको वो article पढ़ाया जो कि Peter Medawar का था जो आपने homework में पढ़ा कि ये जो hypothesis है ये conjecturing और इसके लिए भी एक पूरा पूरा काम है जिसको हमने देखा कि जी retroduction या abduction जो है Charles Peirce, तो वो चूंकि हमने चीजें पढ़ नहीं रहे तो आई जस्ट पॉइंटेड यू टुवर्ड्स अ न्यू एरिया के हाइपोथेसिस को डिजाइन करना और उसके बीच में जो आपकी अजम्पशंस हैं और फिर उससे जो इम्प्लीकेशंस ड्रॉ करना जो हम देख रहे हैं आसान एग्जांपल्स की मदद से वो भी इम्पोर्टेंट है, एंड देन द लास्ट थिंग इज के तमाम फैक्टर्स जो है वो आपने प्रॉपरली कंट्रोल किए, यानी ये तो एक बॉटम बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर आपने सारे रेलिवेंट फैक्टर्स ही नहीं देखे, यानी आपने यही नहीं देखा कि जी थीटा क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 45 पे रखने का एक खास मकसद है ना ताकि आधी लाइट इधर जाए और आधी लाइट इधर, ठीक है, अगर फर्ज करें थीटा जो है वो 42.4 था, फर्ज करें थीटा जो है वो 44.9 था फर्ज करें, तो देखें हल्का सा भी अगर ये एंगल इसका चेंज है तो आपको एक्सपेरिमेंट रिजल्ट जो है वो आपकी और आपके कागज आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 45 है लेकिन जब वहां पे पर्टिकुलर तो आप देखिए कितना मुश्किल है एक चीज को 45 के एंगल पे होल्ड रखना और फिर उसको उस तरह से बनाना कि वो इट विल बी गिविंग यू एग्जैक्टली दोज रिजल्ट्स व्हिच यू हैव गेस्ट कि आपके पास वही रिजल्ट्स जो है वो आपके पास, ठीक है। So this is the very important point और जो last हमारा point है उसके ऊपर अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आज के lecture में, यानी ये वाला point, ये वाली दोनों काम तो हम काफी हद तक कर चुके हैं। So this is the today's part of the lecture कि हमने इसकी इसकी base को build कर रहे हैं और this is a good example to that to realize the पॉइंट के फेलियर टू कंट्रोल रेलिवेंट फैक्टर, यानी अभी देखिए ये काफी ओल्ड है, दिस ही वाज अ फ्लेमिश एल्केमिस्ट, ठीक है, वैन हेलमोंट, और इसने ये देख रहा था कि हाउ द प्लांट्स ग्रो, यानी उसके पास ये सवाल था कि हाउ द प्लांट्स ग्रो, ठीक है, एंड उसने क्या एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। अब आज हम ये इसको देख के कहेंगे, अभी आप सुनेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा नाइव और बड़ा बड़ा सादी सी बात थी ये तो बड़ा लेकिन उस जमाने के हिसाब से व्हाट ही डिड ही टुक अ विलो प्लांट, यानी उसके एक प्लांट लिया बेद का और उसने उसको इसके अंदर लगाया और ये बूटी जो थी ये उसने क्या फैक्टर देखा, उसने ये फैक्टर देखा कि सॉयल जो है ना वो ड्राई होनी चाहिए, यानी मिट्टी जो है वो खुश्क थी, फिर उसने ये भी देख लिया कि मिट्टी कितनी है तो उसके पास 90.9 किलोग्राम मिट्टी थी और इसको भी वजन कर लिया, ये वजन उसका तकरीबन 2.5 kg था, 2.3 kg, फिर वो इसको 5 साल पानी देता रहा और उसने सिर्फ इसको क्या किया वाटर दिया, पानी के अलावा उसने और कोई काम नहीं किया, इस मिट्टी में कोई खाद कोई और चीज उसने नहीं डाली, अपने तहीं तो वो सारे फैक्टर कंट्रोल कर चुका था, लेकिन आप देखें उसका फैक्टर क्या है, यानी हमें तो बस यही फैक्टर मिल रहा है ना एक ये और एक ये, ठीक है, सन याद रखिएगा, मतलब आप आज अपने हिसाब से ना देखिएगा अभी इसको ये मतलब 450 साल पुरानी बात, तो 5 साल के बाद ये जो पौधा था ये बन गया, इसका वजन 77 किलो, तो तकरीबन आप देखें ना तकरीबन कितना हो गया, इट्स लाइक मोर देन 30 times द एक्चुअल, ठीक है, तो विलो का प्लांट का वजन जो है वो 30 गुना बढ़ गया। अब जब उसने सॉयल को नापा तो सॉयल में देखे कोई खास फर्क नहीं था,
0.1 kg का फर्क था, ठीक है। और इससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला, उसने इस ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूजन निकाला कि द ओनली डिफरेंस, यानी अगर उसने मिल्स का मेथड दिखाया, मिल डिफरेंस अगर आप उसी को सेंस में देखें, तो उसने ये कहा कि जी ओनली डिफरेंस वाज द वाटर, सो द माय कंक्लूजन इज दैट मास गेन ऑफ द ट्री, यानी जितना ट्री ने मास ग्रो किया है, ठीक है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू वाटर। दूसरे लफ्जों में आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को यूं भी डिड्यूस कर सकते हैं कि पानी में कोई ऐसी चीज है जिससे कि चीजें ग्रो करती हैं सिर्फ। अब देखें और कौन से फैक्टर्स हैं, आपको पता है कि अब आज आप जानते हैं कि जी फोटोसिंथेसिस होता है, सो यू नो कि जी एयर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी वाटर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहरहाल एयर के अंदर ही होती है, ठीक है ना। और वाटर जो है वो अपनी फोटोसिंथेसिस के जरिए जो है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोसेस करता है, ठीक है। तो देखें ये थर्ड फैक्टर था जो वो नहीं देख सका। फिर चौथा फैक्टर इज लाइट, ठीक है। उसके अलावा सॉइल कंडीशंस और वो फैक्टर्स तो बहुत ज्यादा और छोड़ देना, लेकिन ये दो फैक्टर तो बिल्कुल सामने के फैक्टर्स, ठीक है। तो आज हम क्या कहेंगे कि दिस इज अ रॉन्ग कंक्लूजन, ठीक है। और हम इस किस्म के एक्सपेरिमेंट को प्रोडक्टिव भी नहीं कहेंगे, यानी इट्स अ वेरी वेरी यूजलेस सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी हमारे पास ना तो रेलिवेंट फैक्टर कंट्रोल हो सके। ये और बात है कि हम हेलमोंट का काम डिटेल देखें तो मे बी वी डिसएग्री विद आवरसेल्व्स एंड वी से कि नहीं नहीं इसने तो बहुत अच्छा काम, ये वाले रिजल्ट्स अच्छे भी निकाले, यानी ये बात मैं नहीं कह रहा कि उसके उसके काम को डिग्रेड नहीं करना चाह रहा, बट आई एम सेइंग कि जी उसके जो रेलिवेंट फैक्टर्स हैं वो बहरहाल देखना, ये फेलियर कई वजूहात से है, जाहिर है 1580 में उस, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने भी तो बहुत सी एडिशनल बॉडी ऑफ नॉलेज दी होगी, वो अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट बात, राइट। तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो रेलेवेंट फैक्टर्स हैं उनको अगर आप कंट्रोल ना कर सकें तो आपके पास उसका एक तो ये है कि योर फेलियर, सिंपल, ठीक। सेकेंड क्या है कि ऑब्जर्वर इफेक्ट, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, जब हमने पहली दफा एक्सपेरिमेंट्स को हल्का सा देखा था। तो ऑब्जर्वर इफेक्ट तो एक बड़ी एक एक सामने की बात है, यानी हमारे पास जो एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग है, यानी एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग इटसेल्फ, जो जो हमारा मुशाहिदा है वो खुद जो है एक्सपेरिमेंट के अंदर एक फैक्टर को, वो मैनिपुलेशन है, अनडिजायर्ड मैनिपुलेशन, ठीक है, आप उसको ये कह लें कि वो अनडिजायर्ड इंटरवेंशन या मैनिपुलेशन, आप नहीं चाहते, लेकिन ये थर्मामीटर अंदर डालने से, अगर फर्ज कीजिए ये एक बहुत आप एक्यूरेसी के साथ इसका टेम्परेचर चाहते हैं तो इस ये उसके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट तो डाल ही देगा, ठीक है, क्योंकि थर्मामीटर से हीट का फ्लो होगा और हीट जिसके अंदर चेंज होगी। सो इस तरह के ऑब्जर्वर इफेक्ट हमें मालूम होना चाहिए कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें क्या ऑब्जर्वर इफेक्ट है। आपके पास ये जो एक्सपेरिमेंट था, अगर मैं कहूँ कि जी अब इसका जरा आप एंगल तो नाप के बताएं थीटा, और आपके पास उस वक्त 1887 में एंगल को नापना, यानी टू मेजर द एंगल, वो आज भी एक इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है, यानी आप उनकी पोजीशनिंग को, किसी भी चीज की पोजीशन को नापना एक स्पेसिफिक एक्यूरेसी के साथ, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। सो जाहिर है कि इसमें काम आएगा कौन नाप रहा है, किस तरह नाप रहा है, वो कैसे देख रहा है, ठीक है, तो ऑब्जर्वर का इफेक्ट तो अपनी जगह रहेगा। The third thing is confirmation bias. Confirmation bias एक बड़ा interesting phenomenon है, और वो ये है कि वो psychology से related, यानी ये है psychological effect, what you see, यानी आपकी नफसियात जो है वो इसमें बड़ा effect आता है। ठीक, यानी क्यों क्यों वो फैक्ट डाली, इसलिए कि देखिए आपके ख्याल में कोई चीज, अगर मिचेलसन का ये मानना है कि उसको फर्ज करें 100% उसको यकीन है कि कोई ईथर होता है, मॉर्ले का ख्याल है कि 100% होता है, तो वो जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स जो हैं, अगर वो एक्सपेरिमेंटर जो है उसकी कंफर्मेशन बायस बहुत ज्यादा है, यानी उसकी बायस का मतलब होता है झुकाव, और झुकाव
तस्दीक का, इस्बात का, यानी उसके ख्याल में ये उसका एक स्पेसिफिक तरफ झुकाव है, तो फिर वो वही चीज देखेगा वो उसके उसके अपने प्री कंसीव रिजल्ट्स को मैच कर देगी, वो उसको कंफर्म करेगी उसको फौरन, हल्का सा भी अगर वो एंगल को दोबारा चेक नहीं करेगा वो कहेगा लो जी मैंने इसको पकड़ लिया, दैट्स माय ईथर इज देयर। ठीक है, अ गुड एक्सपेरिमेंटर वो टेक टाइम, वो देखेगा कि मैं जो देख रहा हूँ क्या मैं बहुत ज्यादा बायस तो नहीं हो गया 15-20 साल एक आर्ग्यूमेंट को पेश कर करके। ठीक है, सो आई शुड लुक एट माई इंटरवेंशन एंड देन आई शुड सी के जी मैंने फिर सैम्पलिंग, जिन केसेस में आप सैंपल करते हैं उन केसेस में आप देखेंगे, आगे हम उस पर भी दोबारा भी बात करते हैं। ठीक है, तो दिस बायस हैज टू बी कंट्रोल। ठीक है, यानी हमें इस बायस को कंट्रोल करना है और हमें ये देखना है कि ये बायस जो है इससे हम मुतासर होकर अपने ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को खोना, दूसरे लफ्जों में हमें इस एरिया को कम से कम करना है, यानी ये खत्म तो नहीं होगा बट वी वॉन्ट दिस के ये वाला रिड्यूस हो जाए, यानी हम कहीं इधर पहुंच जाएं, इसको लेस लेस जितना ये कम से कम हो उतना अच्छा है, यानी हम ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को देखें। अब इसकी मैपिंग जो है ना कंफर्मेशन ऑफ बिलीफ की, वो इनके ऊपर कम से कम क्या ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स हमें अच्छी तरह नजर आए। द फोर्थ थिंग इज, यहां पे मैंने प्लेसिबो लिख दिया, आप इसको जर्नलाइज जबान में, मैंने आपके नोट्स में इसको ये लिखा है इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है, प्लेसिबो इसकी एक मिसाल है। ठीक है, प्लेसिबो क्या होता है? प्लेसिबो ये होता है कि मैं आपको एक डॉक्टर हूं और मैं मेरे पास एक पेशेंट आता है और मैं उस पेशेंट को वो मुझे कहता है कि जी मुझे जो है ना फला बीमारी है, मिसाल के तौर पे मेरे मुझे हल्का बुखार है या मुझे मेरे सर में दर्द है या मुझे, और मैं उसको एक बहुत एक अच्छी दवाई देता हूँ जिसमें जो मैं दवाई नहीं है बल्कि वो एक जर्नल बेस्ड कोई भी मेडिसिन है, जैसे कोई भी कोई वाइटामिन है या कोई वाइटामिन भी नहीं है, मे बी कोई बिल्कुल बेजरर चीज़ है, कोई सफूफ सा है, कोई खाने की चीज़ है लेकिन वो कैप्सूल की तरह की है। एंड आई वुड से कि जी ये लें जी ये आपकी बीमारी को हल कर देगी, और ये मैं उस पर थोड़ी सी उस बीमार उसको एक हाइप भी बना लेता हूँ कि दिस इज दी ही शुड बी बिलीविंग के दिस इज अ मेडिसिन, और जब वो उसको लेता है तो उसकी एक तवक्को बहुत बढ़ जाती है कि मेरी उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे इस दवा से बहुत फायदा होगा, और इस एक्सपेक्टेशन की वजह से कुछ न्यूरोकेमिकल रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स, डोपामाइन, और वो आपको एक काइंड ऑफ पेन को आपकी रिलीफ मिल जाती है। ठीक है, तो ये बहुत से एक्सपेरिमेंट्स में प्लेसिबो जो है वो वेल नोन फिनोमेनन। ठीक है, यानी जैसे येलो फीवर, और यानी उन्होंने वर्ल्ड वॉर से पहले जब ये बुखार की वबा फैली तो जैसे उन्होंने मशहूर कर दिया कि जी ये बीमारी की दवा आ रही है, बस आ रही है, एंड यू विल गेट इट एंड यू विल बी फाइन। ठीक है, जैसे अब सारे लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन आ रही है कोविड की, तो जब आपकी कोविड की वैक्सीन आ जाएगी और फर्ज करें कुछ लोग जाकर उसे लगवाएंगे और तो दे वुड बी एक्सपेक्टिंग बेनिफिट्स, आए उनकी तवक्को होगी ना, उनको होगा कि हम उनसे बेहतर हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। सो ये जिन जिन को भी एक्सपेक्टेशन हो उनको जाहिर है कि इसमें ये बहुत बड़ा अफेक्ट है कि जब आप इंटरवेंशन करते हैं तो आपके पास इसको कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है, और दैट इज वाई इसके लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास, हम अभी आगे देखते हैं क्विकली के हमें सैंपल्स बनाए जाते हैं और हम एक जो सैंपल है हमारी पॉपुलेशन है उसको हम एक ट्रीटमेंट ग्रुप में बनाते हैं और एक कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं। यानी एक ग्रुप को अभी भी जब इस ये वैक्सीन आई है ना तो इसके प्लेसिबो ट्रायल भी हुए होंगे, यानी बहुत से लोगों को बस ऐसे ही कोई विटामिन का इंजेक्शन लगा दिया गया हो और देखा गया होगा कि जिनको ये प्लेसिबो दिया जाता है उनको भी वो भी तो कोई ठीक नहीं हो जाते। ठीक है, तो इस इन दवाओं को या इन टेस्ट को इस तरह से भी किया जाता है। ठीक, ताकि आपके पास इसको कंट्रोल किया जा सके कि ये जो इफेक्ट्स है ना इंटरवेंशन इनको कंट्रोल किया। ठीक है, फिर जब आप इनको, अब आप फर्ज कीजिए आपके पास कोई सैंपल था और आप उसको दो में डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने कहा कि ट्रीटमेंट में और कंट्रोल में। ठीक है,
मतलब ये तो मैंने दवा से मिसाल दी ना, बट दिस एग्जाम्पल इज फ्रॉम अ नॉट फ्रॉम अ मेडिसिन बट फ्रॉम अ मोर मोर इन अ सेंस के इंटरेस्टिंग एरिया, एंड दैट इज वॉरफेयर, लड़ाई। और उसमें देखें कि वर्ल्ड वॉर टू में रॉयल, दूसरी जंग अजीम में रॉयल एयरफोर्स जो थी, यानी यूके की, ब्रिटेन की एयरफोर्स, उनके पास ये सवाल था कि जो जहाज दुश्मन के इलाके से वापस आते हैं, ठीक है, उन जहाजों में गोलियां लगी होती हैं उनके ऊपर, तो दे सेड के भाई ये इनकी डैमेज डेंसिटी जो है ना, यानी उनके ऊपर जो नुकसान हुआ है वापस आने वाले जहाजों पे, उसको देखा जाए तो देखिए ये एरियाज हैं जिनके ऊपर गोलियां लगी, यानी इस एरिया में एनिमी का फायर हुआ है ना, और दुश्मन के फायर के नतीजे में इस जगह के ऊपर, ये जो मैं इसको ड्रॉ कर, ठीक है, और देखिए ये एरिया है, ठीक है, उसके अलावा क्या है, ये एरिया है, मैं इसको ऐसे लूज सा ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि नजर आ जाए कि ये तकरीबन ये फ्यूज ले। अब देखिए ये जो हमारे पास एरियाज हैं, तो हम जब उन्होंने ये कहा कि जी पहला आंसर ये था कि क्वेश्चन क्या था कि बॉम्बर लॉस जो है ना, बॉम्बर फाइटर प्लेन्स जो है, ये दुश्मन इनको गिराने में नाकाम हो अगली दफे, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है ये तीन इलाके एरियाज हैं, एक दो तीन चार पांच, इस पांच जगह पे आर्मर जो है वो इजाफा कर, यानी आर्मर जो आर्मर मानी वो लोहा जिससे के टैंक्स और जहाज और ये बनाए जाते हैं, ठीक है, हार्ड मटेरियल होता है ना जिससे गोलियां मुश्किल से गुजर, ठीक, बुलेट प्रूफ तो नहीं होता लेकिन बुलेट प्रूफ टाइप चीज ही होती है। तो उनका ये था कि जी यहाँ पे मजीद इस मटीरियल की तहों का इजाफा किया जाए, क्योंकि गोलियां कहाँ लगती हैं, यहाँ लगती हैं, और अब देखिए जंग हो रही है, आपके पास ये सवाल है ना कि जल्दी इनको जहाज आपके बचे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इस वक्त एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था एब्राहम वॉल्ट, एब्राहम वॉल्ट ने इससे डिसएग्री किया और उसने कहा कि देखिए आपकी ये आपका जो सिलेक्शन है ना कि जी ये ग्रुप इसको ऐसे बनाया जाए, मैं इसको यानी ये ग्रुप को इस ग्रुप से अलग रखा जाए, उसने कहा कि मैं इसका ये सोचता हूं कि जब जहाज वापस आते हैं तो ये तो आप उन जहाजों को ही देख सकते हैं ना जो वापस आ रहे हैं, यानी ये जो आप एनालिसिस किस बेस पे कर रहे हैं, लेट्स से आपके 100 जहाज हैं जो दुश्मन के इलाके में गए और वहां से ये ऐसी गोलियां लग के आ गए, आपने सबके डैमेज के एरिया निकाला और डैमेज डेंसिटी निकाल ली, और उस डैमेज डेंसिटी की बेस पे एक डिस्ट्रीब्यूशन बना ली कि जी इतने जगहों के ऊपर जहाज लगाओ, लेकिन उसने कहा कि हो सकता है आपके पास 100 जहाज या 50 जहाज ऐसा हो, या जो आपके आपको तो पता है ना कि आपने दुश्मन के इलाके में 200 जहाज भेजे थे, तो फर्ज करें 100 जहाज वापस आए या 150 जहाज वापस आए, और बाकी आपने अज्यूम किया कि वो तबाह हो गए, लेकिन आपने जो तबाह हुए हुए जहाज हैं, लेट्स से हमारे हमने 200 भेजे थे और 120 जो है वो वापस आ गए और 70 जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो उसने कहा कि ये जो 70 डिस्ट्रॉय हुए आपकी डैमेज डेंसिटी तो इन 120 जहाजों को देख रही है, और आप 120 जहाजों पे ये फैसला कर रहे हैं कि किसी पे यहाँ गोलियां लगी हैं, किसी पे यहाँ लगी हैं, और इससे इस तरह आपने एक पिक्चर ड्रॉ कर ली है जिसको आप डैमेज डेंसिटी कह रहे हैं, बट दिस डैमेज डेंसिटी इज बेस्ड ऑन द रिटर्निंग एयरक्राफ्ट, व्हाट अबाउट दोज एयरक्राफ्ट व्हिच हैव नॉट रिटर्न्ड, अब इनका क्या किया जाए। और उसने कहा कि ये भी तो हो सकता है कि उन जहाजों में इन जगहों पे ऊपर गोलियां लगी हों जो आपने जिन जिन जिस एरिया को आप नहीं देख रहे, मतलब ये वाला सारा एरिया, ठीक है, और ये पूरा एरिया, ये एरिया, ये बीच का जितना एरिया बचा हुआ है जो मैंने मेरी रेड वाली डायग्राम से छूट गया, तो उसने कहा कि अगर अगर इस जहाज पे इन इन जगहों पे गोलियां लगें और जहाज वापस ना ही आए, यानी इधर एक ही गोली लगे और जहाज तबाह हो जाए, या इस जगह पे 10-20 गोल फायर हो और जहाज तबाह, तो वो तो वापिस ही नहीं आएगा, आप ये समझ रहे हैं कि ये है, मगर हो सकता है ये जगह उससे भी ज्यादा अहम हो क्योंकि ये वो जगह है जिनके ऊपर जहाज लगता है तो वापस ही नहीं आता, सो ही सेड कि अभी तो आप इनको एनालाइज नहीं कर सकते, यानी ये इस मैथमेटिशियन ने वॉल्ट ने कहा, अभी आप ये कर सकते हैं कि आप सारे के सारे जहाज के ऊपर आर्मरी लगाए, यानी योर डैमेज डेंसिटी शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, rather than selectively doing it.
बात समझ गए, ये मिसाल आपको समझ आ गई होपफुली, एक बड़ी इंटरेस्टिंग और मजेदार सी मिसाल। तो ये वो पांचवा वो था जिसमें ही सेड के जी आप दिस इज दी अनदर एरिया जिसमें हम सिलेक्शन बायस को भी अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं, ताकि हम ये देखें कि ये जो हम सिलेक्शंस कर रहे हैं कि इनमें इस फैसले लिए जाए, इनके अंदर भी हमारी बायसेस होती हैं और वो ऐसे छुपी होती हैं कि कुछ चीजें हमें नजर नहीं आ रही। तो अब इससे कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप सारे बैकग्राउंड फैक्टर्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका एक एरर तो कम काबू आ गया, यानी आपने आपके जो एरर्स थे जिनकी वजह से एक्सपेरिमेंट कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे, उनमें गलतियां हो रही थी, वो ये एक ये था यू कंट्रोल्ड इट वेल। देन द सेकंड वन इज के द इंटरवेंशन, आपने टारगेट वेरिएबल में जो है वो आपने ना सिर्फ टारगेट वेरिएबल में इंटरवीन किया बल्कि कुछ और फैक्टर भी आ गए। तो इंटरवेंशन सिर्फ टारगेट वेरिएबल में करनी है ना, आपने मजीद फैक्टर्स के अंदर इंटरवेंशन नहीं कर दे। यानी चलते चलते आप तो देखने बैठे थे पौधे को, आपने हवा को भी छेड़ दिया, मतलब कई चीजों में आपने टारगेट वेरिएबल को खराब कर दिया। यू यू नीड टू समटाइम्स कीप इट कांस्टेंट, समटाइम्स यू वांट टू जस्ट सी देम कि जी यार ये वाले मैंने कांस्टेंट रखे हैं, इनसे क्या हो। और फिर लास्ट सिंपल सी बात है कि आपने जो ऑब्जर्व करना था वो आपने ऑब्जर्व नहीं किया। अब अगर आप ये सारे एरर अवॉइड कर लेते हैं तो उसी केस में ये आपकी मेथड ऑब्जर्वेशंस जो है वो जस्टिफाई होंगी कंक्लूजंस, वरना आपके एक्सपेरिमेंट के नतायज जो है हम ये कहेंगे कि वो इंटरनली इनवैलिड है। अगर ये एरर्स नहीं होते तो फिर हम कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं, इंटरनली वैलिड है। यानी जैसे लॉजिकल वैलिडिटी थी ना, ये वैलिड डिडक्शन है, एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी भी एक कॉन्सेप्ट है। और एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी का क्या मतलब है, एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी का मतलब है कि ये तमाम फैक्टर्स जो आपने जो आपको एरर्स एरर्स जो तमाम आप कर रहे हैं जिनकी वजह से एक्सपेरिमेंटेशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ये सारे एरर्स ना कीजिए। तो ये हमने कुछ एरर्स देखे चार पांच जो हो सकते हैं। एंड नाउ वी वुड सी के एट द लास्ट के इन एरर्स को डिटेक्ट कैसे किया जाए, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल। तो पहला तो ये है कि हम अगर हमें ये अपने एक्सपेरिमेंट्स को गलतियों से बचाना है तो फिर हमें रेपिटिशन इन अ जनरल सेंस, ठीक है। और एक एक्सपेरिमेंट को जब हम एक्सपेरिमेंट करें, मैसे मैं एक्सपेरिमेंट करूं, आप करें, मिचेलसन मॉर्ले करें, और वो कहें कि जी उनका क्लेम होना चाहिए कि हमारा एक्सपेरिमेंट रिपीटेबल। अगर फर्ज करें 1887 में मिचेलसन मॉर्ले ने एक्सपेरिमेंट किया और फिर रिपीट ही नहीं कर सका उसको कोई, तो दैट मीन्स के इट्स नॉट अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट। अब उसके एरर्स जो है हम नहीं निकाल सकते। इफ इट इज रिपीटेबल, इसका मतलब है काफी सारी इंफॉर्मेशन एनफ, इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन उस ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटर के अलावा उसको एक्सपेरिमेंट को प्रोसीजर को दोहरा सके, ठीक है। यानी अगर हमारे केस में हमें ये पता ही नहीं है कि जो है वो इस वो डी डी वो थीटा वो क्या है, तो फिर हम उसको जाहिर है नहीं रिपोर्ट देना, उनकी जो अजम्पशंस हैं वो हमें मालूम ही नहीं है, वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, पब्लिश ही नहीं हुई या किसी ने बताई नहीं। तो दैट इज द पॉइंट के एक तो ये कि वो रिपीटेबल होना चाहिए, ये तो सबसे अहम बुनियादी है। दूसरा ये कि रिपीटेबल तो है लेकिन अगर उसकी रिपीटेशन हो सकता है मुश्किल हो, जैसे मिचेलसन मॉर्ले की रेपिटेशन कोई आसान बच्चों का खेल नहीं है, इट्स अ डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट। तो अब कोई एक्सपेरिमेंट है, लोग खला में लेके जा रहे हैं जहाज, तो अब आप कैसे उसको रिपीट कर सकते हैं, मैं और आप तो नहीं कर सकते, कोई ऐसी लेबोरेटरी करेगी ना जो उतना ही काबिलियत रखती है। सो अगर उसकी काबिल रेपिटेशन की जाए, अच्छी रेपिटेशन की जाए, तो उसका रिजल्ट जो है ना वो रिप्रोड्यूस हो जाए। यानी ये ना हो कि हम मिचेलसन मॉर्ले को इम्प्लीमेंट करें और कहें रिपीटेबल है लेकिन हम देखें तो ईथर निकल आए, या हम देखें तो एक्स जो है वो एक्स और वाई नॉट इक्वल हो, तो हम कहें ये तो भी ईथर है, इसका क्या मतलब है हम अपने रिजल्ट पब्लिश कर दें कि जी वी हैव डिस्कवर्ड ईथर। ऑब्वियस ही बात है कि पीपल वुड आस्क अस के ओके आपने मिचेलसन मॉर्ले को रिपीट किया है, तो ये देखें जी पिछले भी 2000 लोग कर चुके हैं, तो आप जरा इन सबको देखें ना पढ़े बैठ के कि ये क्या ये आपने ठीक रिजल्ट रिप्रोड्यूस किए, वो तो सब लोग आपसे एग्री नहीं कर रहे। सो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिप्रोड्यूस करना भी एक काम है, और फिर इसके अलावा ये है कि उससे अगर रिप्रोड्यूस हो जाता है तो
तो इसका मतलब ये होता है कि हमने हमारा मतलब ये किस्म का गोल है, ये एक और गोल है जिससे हम एक्सपेरिमेंटल एरर देख सकते, ठीक है। अगर आज तक तो कोई भी मिचेलसन मॉर्ले के एक्सपेरिमेंट रिप्रोड्यूस ना कर सके तो फिर उसके ऊपर एक सवालिया निशान लग। लास्टली ये है कि जब हम रिप्रोड्यूस करें तो जब हम रिजल्ट भी वही ले आए, अब जब हम ले आए और ये दोनों चीजें हो गई, ठीक है, तो फिर हमें ये देखना है कि अब अगर हम उसी ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट की तरह का इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट करें इन द स्पिरिट ऑफ द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट, लेकिन हमारा डेटा मुख्तलिफ, ठीक है, हमारे डेटा डिफरेंट हो और एनालिटिकल मेथड्स, लेबोरेटरीज, इंस्ट्रूमेंट्स हमें वही रिजल्ट दे। मिसाल के तौर पे मेरे पास आपने देखा था कि वो 45 डिग्री पे लगी, तो फर्ज करें मिचेलसन मॉर्ले ने 45 डिग्री के ऊपर किए हैं, अब मैं उसको 45 से हटा दूं, ठीक है, और मैं उसको 60 डिग्री के ऊपर उस प्लेट को देखूं, मैं इन ये जो मिरर्स लगे हुए हैं इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैं बदल दूं इनके रो, ठीक है, ये डी जो है मैं इसको डी को चेंज कर दूं, ये जो डिस्टेंस था इधर से इधर। अब ये जितने काम मैं कर रहा हूँ जाहिर है मेरी मैथमेटिकल इक्वेशंस के हिसाब से कुछ डिफरेंट रिजल्ट आने चाहिए और वो रिजल्ट मेरी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं। अगर वो आ जाते हैं इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है और रेप्लिकेशन भी हो जाती है, या तो ये हो जाएगा और या ये होगा कि मैं रेप्लिकेट नहीं कर सकूंगा, सो देन आई वुड फाइंड अ गुड इंटरेस्टिंग फैक्टर जो पहले मैंने नहीं देखा। वो फैक्टर क्या होगा? वो फैक्टर वही होगा जो मेरी इम्प्लीकेशन, क्या थी इम्प्लीकेशन, हमने उसके लिए सिंबल सी का यूज किया, यानी इसका मतलब है मैंने एक हाइपोथेसिस की नई इम्प्लीकेशन ढूंढ ली है। मैं कहता हूं भाई ये जब आप 60 डिग्री कर देते हैं ना और डी जो है वो इतने से बढ़ जाता है तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होती या कुछ कोई ऐसी बात नहीं नजर आ जाती है, ठीक है ना। सो दिस इज द पॉइंट के कभी कभी ये भी होगा, अच्छा फिर ये भी होगा कि आप ये दोनों काम हो जाएंगे मगर ये नहीं हो सके, इसका मतलब है एक्सपेरिमेंट रिपीटेटिव भी है, रिप्रोड्यूसिबल भी है, लेकिन आप उसको रेप्लीकेट नहीं कर सकते, आप उसको मजीद बढ़ावा नहीं दे सकते, उसको फैला के आप मजीद इम्प्लीकेशन उससे नहीं निकाल सकते, ठीक है जी। सो हमारे पास जब हम ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एरर्स को ढूंढने के तरीके और फिर हम कंट्रोल कर सकें रेलेवेंट फैक्टर्स को, जब हमें इन सब का पता हो, ठीक है, तो फिर हम एरर को करेक्ट कर सकते, यानी हमने देखे डिटेक्ट कर लिया ना, तो अब आप इसको कह सकते हैं कि जी एरर की करेक्शन, ठीक है, या अवॉइडेंस। तो जाहिर है कि दो ही चीजें हैं, तरीके हैं, उसका कुछ बुनियादी मतलब तो यही है ना कि एक्सपेरिमेंट का कंट्रोल बेहतर। तो एक तो बैकग्राउंड फैक्टर है, हमने बात कर ली है इस पे तो बहुत, यानी हमें पता होना चाहिए कि वो फैक्टर्स कौन से हैं, और दूसरा ये है कि वो उन फैक्टर्स को हम इन्फ्लुएंस कैसे करें, उनके साथ छेड़छाड़ कैसे करें, ठीक है, यानी हमारा एक्चुअल कंट्रोल जो है उस केस में हम उन फैक्टर्स को जिनको हम छेड़ते हैं, हम सिस्टम पूरे को इन्फ्लुएंस कैसे करें ताकि हमारे पास ये सारी कंडीशंस जो हमने फिट की हैं, यानी ये वो सेट ऑफ कंडीशंस है जो हमने की है, ठीक है। तो अब हम कैसे ये फैसला करें कि ये पूरा कंट्रोल हम चला सकेंगे, जैसे हमने याद है अपने फ्यूज वाले एग्जाम्पल में किया था, तो हमने तीनों चीजों का कंट्रोल किया, तो बुनियादी तौर पे उसके प्रिंसिपल्स में पहला तो यही है जो मैंने बता दिया आप, यानी हम नॉर्मली जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम एक कंट्रोल ग्रुप रख लेते हैं, एक ट्रीटमेंट ग्रुप रख लेते हैं, यानी हमने फ्यूज वाले एग्जाम्पल में हमने क्या किया, हमने एक को रख लिया कि जी अभी हम इसको छेड़ेंगे सिर्फ, अभी हम सिर्फ लैंप को ऑन करेंगे, ठीक हो गया, यानी अभी हम सिर्फ लैंप को और उसको ऑफ रखेंगे और इसको हम ऑन करेंगे, तो जो ट्रीटमेंट ग्रुप होता है ना उसके अंदर हम इंटरवेंशन करते हैं और जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये देखने में तो बहुत आसान लगता है मगर ये बस आसान, ज्यादातर ये आसान नहीं होता, और ये उन चीजों को भी आसान नहीं होता जिनमें ये सैंपल बहुत बड़े होते हैं, ये एक पॉपुलेशन से आ रहे होते हैं, यानी बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं,
ठीक है, स्पेशली जो मेडिसिन टाइप स्टडीज होती हैं, ठीक है। अब हमने किसी को प्लेसिबो के दिए, कोई किसी को दवा गोली दे दी, ठीक है, तो वो हो सकता है उससे वो ठीक वैसे ही वो बेहतर हो रहा हो। अब हमें हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि उसने प्लेसिबो के अलावा क्या लिया। देखिए आप मुझे गोली दे रही हैं लेकिन आप मुझे चाय पीने से तो नहीं रोक रहे ना, मुझे कोई और दवाइयां खाने से तो नहीं रोक रहे मुझे, ठीक है आपने गोली दे दी है कि जी आपका नजला जुकाम इससे बेहतर हो जाएगा, और है भी वो लेट्स से प्लेसिबो, लेकिन अब मैं उसके साथ क्या क्या ले रहा हूँ, क्या पता मैं उन चीजों की वजह से ठीक हो रहा हूँ। मैं दवाई कम किसी को मैं दवाई ले रहा हूँ लेकिन मैं और भी साथ कुछ काफी काम कर रहा हूँ। तो ये बात चेक रखना और इन लोगों को कंट्रोल में रखना और इस कंट्रोल ग्रुप को पूरी तरह ऑब्जर्व करना, ये बहुत ही शदीद मुश्किल मसला, ठीक है। अब इस तरह से इसकी ग्रुपिंग भी एक मसला है, यानी इनको तोड़ा कैसे जाए, कितने इधर किए जाए और कितने इधर किए जाए। सो ट्रीटमेंट ग्रुपिंग का एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि यानी ये स्ट्रेटेजी तो ये है लेकिन इसको कैसे किया जाए ये अब हम अभी हम नहीं देख रहे हैं, ये हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजी है और एक एक हम इसके ऊपर हल्के फुल्के इशारे भी देखेंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। सेकेंड इज कि हम फैक्टर्स को, ये भी एक स्ट्रेटेजी कि कुछ फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट रखें, क्योंकि हमने हमने कंट्रोल और ट्रीटमेंट में तो डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं, यानी हमने देखे लैंप इज मशीन, अपनी वॉशिंग मशीन हमने उस दिन देखा था कि हमने लास्ट वीक के हम उसको एक ही स्विच में लगा रहे हैं, हम उसको अपनी अपनी जगहों पर ऑन कर रहे हैं, क्या पता हम कहें कि जी आप अपना स्विच बोर्ड तो सेव करें, यानी आप अपनी अपनी वॉशिंग मशीन, अपनी ये तीनों अप्लायंसेज जो हैं अप्लायंस वन अप्लायंस टू और अप्लायंस थ्री, इनको एक ही स्विच बोर्ड के अंदर लगाएं, इसको उतारा करें, इसको लगाया करें, दो को लगाया करें, क्योंकि अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई हो सकता है हमारे घर के स्विच बोर्ड्स खराब हो, सो हम व्हाई नॉट, क्या पता इसके स्विच इसके अंदर मसला ना हो, इस स्विच बोर्ड में इशू हो जिधर ये मशीन लगी हुई थी, सो वी वुड ट्राई टू मेक सम थिंग्स कॉन्स्टेंट, यानी हम हमेशा इसको कॉन्स्टेंट कर देंगे कि भाई ये तो हर जगह पे सेम हो और अप्लायंसेस को हम वेरिएबल के तौर पर रखें। आप बात समझ गए होपफुली, तो हमें ये भी देखना होता है कि वो सिचुएशन जिसमें हमें बैकग्राउंड वेरिएबल सेम हो जाए। तो अभी देखें घर में तो बहुत सारे स्विच हैं, स्विच तो हमने एक में जाके लगा दिया और उसको फाइनल कर दिया, तो यहाँ पे तो हमें सिचुएशन मिल गई ऐसी जहां पे हम बैकग्राउंड वेरिएबल कॉन्स्टेंट कर, लेकिन अगर ना हो फिर क्या करें, फिर हम ये तीनों उठाएंगे अप्लायंसेज और किसी लेबोरेटरी में जाएंगे, वहां पे एक फ्यूज बॉक्स नया लगाएंगे और चेक करेंगे बाकी सारे वेरिएबल कॉन्स्टेंट। ठीक है, आपने देखा ना आपका, आप बाजार से कोई इलेक्ट्रिक चीज लाते हैं उसने अपना एक स्विच बोर्ड रखा होता है, वो उसके ऊपर टेस्ट करा तो उसने बैकग्राउंड तरफ से उसने फैक्टर्स को देखा होता है, वो कहेगा मैंने तो जी टेस्ट करा दिया। सो इन अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स एज वेल, जब आप छोटे से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका एक्सपेरिमेंट क्या होता है, यही देखना होता है कि जी आपको जो मैं बल्ब दे रहा हूँ वो जल रहा है या नहीं जल रहा, ये हाइपोथेसिस ही रूल आउट करना होता है। तो हमारे पास भी फैक्टर्स को जब आप कॉन्स्टेंट करते हैं तो फिर आप ये देखते हैं कि इधर जाके आप इसको लेबोरेटरी में फिर जनरेट करें अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट की ऐसी जगह मौजूद नहीं है, ठीक है। फिर हम एलिमिनेशन भी करते हैं, यानी एलिमिनेशन क्या है, एलिमिनेशन ये है कि हम फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि मतलब हम रख नहीं सकते बल्कि हमें जरूरत ही नहीं है रखने की, क्योंकि हम उसमें से कुछ को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने स्विच बोर्ड वाले केस, वो बेसिकली कॉन्स्टेंट भी है लेकिन वो बाकी सारे स्विच बोर्ड्स को एलिमिनेट भी कर रहा है, ठीक है। जैसे आप कहें जी कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये तीन मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, वन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो ये तीनों जो है ये जमीन पे गिरते हैं, ये अर्थ, तो अब मैं क्या कहता हूँ जी, ठीक है यार ये इसका वजन 1 किलो है, इसका वजन 2 किलो है, इसका वजन 3 किलो है, और मैं ये तीनों जमीन के ऊपर गिर रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी स्पीड से गिरेंगे। अच्छा अब जब हम इसको देखेंगे कि जी ग्रेविटी की वजह से हमें एक बात हो गई, हम फिलहाल हम ये कहते हैं कि जी हम इसको देखना चाहते हैं कि जी ये तीनों आ रहे हैं एंड दे वुड
दे वुड बी गोइंग विद, हमने कहा, लेकिन ये इनकी स्पीड जो है वो अफेक्ट इस वजह से हो रही है कि देयर इज एयर रेजिस्टेंस और वो इन पे मुख्तलिफ तरह से एक्ट कर रही है बिकॉज ऑफ देयर मास। याद है ना, ये हमने पहले स्टार्ट में क्लॉक और शुरू हुआ था तो इसी किस्म की एग्जाम्पल। तो अब हम कहते हैं यार, अब एक तरीका तो ये है ना कि हम एयर रेजिस्टेंस को कॉन्स्टेंट करें, यानी हम कहें कि इस एयर रेजिस्टेंस को मेक इट कॉन्स्टेंट। अब इसको कॉन्स्टेंट करना बहुत मुश्किल काम है, हम कैसे कॉन्स्टेंट करें, हम एयर तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वी वुड से कि भाई इसको कॉन्स्टेंट तो नहीं कर सकते, लेट्स एलिमिनेट इट, यानी इसको ऑल टुगेदर एलिमिनेट ही करें। एलिमिनेट कैसे करेंगे? ऑब्वियसली इन अ लैब, यानी हम एक लैब में एक वैक्यूम वैक्यूम चैम्बर के अंदर ये काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये है जी एलिमिनेटिंग, ठीक है। और एक एलिमिनेटिंग का एक स्पेशल केस जो है, यानी ये जो ब्लाइंडिंग है ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस ऑफ एलिमिनेशन। ठीक, ये क्या है कि जब हम अलहदा कर रहे हैं, ये खास तौर पे उन जगहों पर आ रहा है जब हमें पता, जब जहां पे हमें मिसाल के तौर पे ऐसी जहां पे ह्यूमंस और इस किस्म के लोग जिनको खुद पता हो और वो अफेक्ट आ, इनको तो नहीं पता ना कि हम वैक्यूम में गिर रहे हैं तीनों चीजें, या हम लैब के अंदर हैं, या हम जमीन पे गिर रहे हैं। लेकिन जब किस किस्म के काम है जिसमें आप इंसान इन्वॉल्व हैं, मॉडल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इवन मशीन टाइप एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो उनमें भी हम ये देखते हैं कि भाई आप किसी तरह ब्लाइंडिंग करें ताकि सब्जेक्ट्स शुड नॉट नो विच ट्रीटमेंट दे आर गेटिंग। ठीक है, जिसको दिया जा रही है दवा उसको ना बताओ कि मुझे दवा दी जा रही है, आप उसको किसी और तरह से दे दें, ठीक है, कुछ जूस में डाल के दे दें कुछ, ठीक है, उसको किसी खाने की चीज, यानी उसको ना पता चले कि मैं ये दवाई ले रहा हूँ, क्योंकि अगर उसे पता चलेगा तो फिर उसकी वो प्लेसिबो या इंटरवेंशन वाली एक बायस आ जाएगी। तो एक बायस तो यहां से कवर हो जाएगी, दूसरा ये कि लेकिन जो दे रहा है उसको तो पता है ना, तो अब इधर भी तो कुछ चीजें हैं, कंफर्मेशन बायस है इधर, ठीक है, इधर इंटरवेंशन वाले मसले हैं, ठीक है। तो इसकी बायस को खत्म करने क्या करेंगे, जो दे रहा है उसको भी नहीं पता, ठीक, यानी ना एक्सपेरिमेंटर को पता है ना उसको पता है। ये जो एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं वो दवाई देंगे जिसने टीका लगाना है, वो जो लेबोरेटरी का बंदा है या जो नर्स है उसको नहीं बताएंगे कि आपको ये टीका उसको दिया जा रहा है, वो बाकी टीकों के साथ ही उसको देते हैं। सो ये प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं और इन ये बाइंडिंग के जो प्रोटोकॉल है इनकी बेस के ऊपर ये काम, ये जो आपने देखा है ना कि दवाइयां टेस्ट होती हैं इतनी देर तक, ये वैक्सीन इसमें ये इसलिए होती है कि ये सारी चीजों के रिजल्ट आते हैं। कुछ चीजें सिंगल ब्लाइंड में फेल हो जाएंगी, कुछ चीजें डबल ब्लाइंड में जाएंगी, कुछ ऐसे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक। अब ये देखिए मिसाल के तौर पर ये एक एग्जाम्पल है जो कि आई जस्ट पिक्ड आउट फॉर योर टूडेज क्लास के, हमारे पास जो है ये आपको नजर आ रहा है विकिपीडिया पेज? यस सर। जी सर। तो देखिए ये जो थी ना, ये ग्रेविटी प्रोब जो है ये मिशन भेजा गया था 1976 में, यानी 1976 में, और ये ग्रेविटी प्रोब ये जो है ये टेस्ट करने भेजी गई थी। ये पहली बात तो देखिए, ये एक स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट। तो अब आप जिंदगी में जब भी एक्सपेरिमेंट पढ़े ना तो आपको नजर आ जानी चाहिए ये हमने जो जितने भी फैक्ट्स पढ़े। देखें ये क्या टेस्ट करने गई थी, ये इक्विवेलेंस प्रिंसिपल टेस्ट करने गई थी, ठीक है। इक्विवेलेंस प्रिंसिपल क्या है? इक्विवेलेंस प्रिंसिपल जनरल रिलेटिविटी का एक प्रिंसिपल है कि जी ग्रेविटेशनल और इनर्शियल मास इक्वल होता है, ठीक है। तो हम अभी ये तो नहीं देख रहे ना कि ये क्या है, जाहिर है अभी हम इसकी फिजिक्स तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन इसका लुबे लुबाब यही था कि आइंस्टाइन की ऑब्जर्वेशन थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लोकली, या जैसे आप जमीन पे खड़े हुए हो वो उसी किस्म की होगी जैसी कि अगर आप किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी कि कोई बहुत बड़ा सा लेट्स से कोई बहुत बड़ा चैम्बर है, वो याद है मैंने आपको आइंस्टाइन का एक पैसेज पढ़ाया था एक लेक्चर, उस चैम्बर के अंदर
जो ऑब्जर्वर है उस पर जो सूडो फोर्स लग रही है, नकली किस्म की फोर्स, वो उतनी होगी जितनी कि उसको। तो अब ये एक्सपेरिमेंट तो देखिए बड़ी बात पुरानी थी, लेकिन 76 तक इस काबिल हो गए लोग के इस इम्प्लीकेशन को टेस्ट किया जा सके। आइंस्टाइन ने तो ये बात 1915-20 में कही, ठीक है। सो पीपल सेंट दी, नासा ने ये प्रोब भेजी, और ये प्रोब का काम क्या था, इसका काम इक्विवेलेंस प्रिंसिपल को टेस्ट करना था, और इसने उसको टेस्ट कैसे करना था, इसने टेस्ट करना ये था कि एक खास हाइड्रोजन मास्टर भेजा, एक फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड काइंड ऑफ अ क्लॉक आप समझ लें, ठीक है, बहुत बड़ी, और वो उसने जाके मेजर करना था विद हाई प्रेसिजन द रेट एट विच द टाइम पासेस इन अ बीकर। यानी कि बॉटम लाइन क्या थी कि आप स्पेस टाइम की डिस्टॉर्शन में से टाइम को मेजर करें, और इसके मदद से आप ये चेक करें कि हमारे पास जो ग्रेविटी है वो उधर भी एग्जैक्टली उसी तरह उसका इफेक्ट आता है जैसे नहीं आता। जाहिर है कि कुछ कोई टाइम डायलेशन होनी थी। तो आप देखें ना, टाइम जो है वो ये मुख्तलिफ फिजिक्स के मैट्रिक्स थे, जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप गया उसको, उसके ऊपर अगर आप इसी विकिपीडिया पेज पे देखें तो कोई डॉपलर शिफ्ट्स आ रही थी, ये आप तो बाद में इसको जरूर पढ़िएगा ताकि आपको जनरली पता चले कि फैक्टर्स क्या क्या थे। हम उसको एक्सपेरिमेंट को नहीं डिटेल में देख रहे, लेकिन हम फैक्टर्स देख, ठीक है। देखिए किका है, अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन मास्टर अ माइक्रोवेव रिपीटर वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द प्रोब इन ऑर्डर टू मेजर द डॉपलर शिफ्ट ऑफ द मैसर सिग्नल। जाहिर है कि उस सिग्नल को डॉपलर शिफ्ट अकर्स व्हेन अ सोर्स इज मूविंग रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर ऑफ दैट सोर्स, क्योंकि जब कोई चीज आपको पता है कि मूव करती है, डॉपलर आप सबने फिजिक्स में पढ़ा हो, तो अब ये डॉपलर का इफेक्ट जो है वो उस हाइड्रोजन मैसर के साथ आना, ठीक है ना। और उस सिस्टम ने वो एक किस्म की आप समझे एटॉमिक क्लॉक थी, ये देखिए लिखा हुआ है कि मैसर इज एन एक्रोनिम फॉर माइक्रोवेव एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन एंड इज सिमिलर टू अ लेजर, यानी द राइट प्रोनाउंसिएशन इज लेजर, एज इट प्रोड्यूसेस कोहेरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द माइक्रोवेव रीजन ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम, ठीक। तो ये बहुत ही जबरदस्त मोटे लफ्जों में एक क्लॉक थी, ठीक है। देखें दिस इज इक्विवेलेंट टू अ क्लॉक दैट ड्रिफ्ट्स बाय लेस देन 2 सेकेंड्स एवरी 100 मिलियन ईयर्स। कैन यू इमेजिन, यानी कि इतनी जबरदस्त एक किस्म की क्लॉक जो है आपके पास अवेलेबल होगी कि अब आप जाके इसको चेक करें, ठीक है। एंड व्हाट सर जी, सर ये जो लेक्चर स्लाइड है सर, ये भी अपलोड कर दिया करें सर, वीडियो में थोड़ा सा मुश्किल होती है देखने में, तो ये लेक्चर स्लाइड भी पढ़ लेंगे। अच्छा मैं कर दूं। तो गोल ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज टू मेजर द रेट एट व्हिच टाइम पासेस इन हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो द टेस्ट दिस में ये जाहिर है कि अब देखिए गोल क्या है, हमने ये गोल देख लिया, हमने वो रेट मेजर करना है उन्होंने जब टाइम पास करे हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अगर आप इसको सिंपल सी टर्म्स में देखें ना, तो ये जो ग्रेविटी प्रोब का एक्सपेरिमेंट है ये ब्रॉडर ये बात कर रहा है कि ये क्लॉक जमीन के ऊपर ही है और ये क्लॉक जो है ये स्पेस में लॉन्च की जा रही है, ठीक है। तो अब आप देखें जब ये क्लॉक स्पेस में लॉन्च की जा रही है और ये अर्थ के ऊपर ही है, तो इसके ऊपर ब्रॉडर बात यह है कि कुछ डॉपलर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। यानी इस दूसरी वाली क्लॉक के ऊपर डॉपलर की वजह से एक इफेक्ट आ रहा है, और आप ये चाहते हैं कि ये डॉपलर का इफेक्ट जो है ये माइनस हो जाए, क्योंकि आपका मकसद क्या है, आपका मकसद ये है कि जो आपका फैक्टर है, जो आप टाइम का डायलेशन मेजर करना चाह रहे हैं, वो दोनों क्लॉक्स का क्लॉक डिफरेंस है, और ये दोनों का डिफरेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि ये वाला जो ऊपर जा रहा है इस पर डॉपलर इफेक्ट लगेगा। तो आप क्या करते हैं, आप डॉपलर इफेक्ट को मेजर कर लेते हैं अलग से, यानी दिस इज मेजर्ड सेपरेटली, ठीक। यानी ये मैंने लिखा हुआ है सेपरेटिंग फैक्टर्स, यानी आप जो प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है ना उसको अलहदा से मेजर कर लें और मैथमेटिक्स में जाके उसको माइनस कर लें। ये इसी तरह की बात है जैसे मैं कहता हूँ कि जी अब कल हमारे घर पे एक बिल्ली है और मेरा बेटा जो है वो कहता है कि जी मैंने बिल्ली का वजन कर लिया, ठीक है। तो वो वेइंग कल मैं रात को देख रहा था कि वो वेइंग मशीन पे क्या कर रहा था, यानी उसने प्रिंसिपल ऑफ साइंस तो नहीं पढ़ रहा ना, वो तो छोटा बच्चा है 6th में, वो क्या कह रहा था कि वो
बिल्ली को उठा के वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ था। अब वो क्या कर रहा था कि पहले उसने अपना वजन किया, वो जो भी निकला उसका कोई अराउंड 40 kg के करीब, उसके बाद उसने बिल्ली के साथ वजन किया और फिर वो कहने लगा कि बिल्ली जो है ना वो 1.5 kg की है। यानी उसने अपने वजन में से पुराना, अपने बाद वाले वजन में से अपना पुराना वजन माइनस कर दिया। और वो यानी ये तो आप समझे कि वो खेल खेल में यही काम बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल पे एक प्रिंसिपल भी बन जाता है जिसका नाम ने इधर लिखा। यानी अब देखिए, अब आप बिल्ली को खड़ा नहीं कर सकते ना, बिल्ली को जब आप वेइंग मशीन पे खड़ा करते हैं वो भाग जाती है, वो रुकती नहीं है वेइंग मशीन के ऊपर कि उसका वजन पड़े। तो दैट इज द पॉइंट के आप उस फैक्टर को सेपरेट कर लेते हैं जो आप देखना चाहते हैं। आप इसको जब आप फॉर्मली पढ़ते हैं तो फिर आपके जहन में रहता है, और आप जब एक्सपेरिमेंट करने बैठते हैं तो आप वो सारे फैक्टर देखते हैं जो आप अलहदा कर सकते। तो अगर आप ये प्रोब ये देखेंगे तो बहुत से फैक्टर आपको और भी नजर आएंगे, ठीक है ना, जो इसमें से अलहदा किए जा सकते। तो हम ये हम देख चुके हैं कि हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स में रेंडमाइज करते हैं और हम सैंपल लेते हैं, और आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स आप कह रहे थे कि सिर्फ FSC वाली ही पढ़ी हुई है और अभी मैथ्स में आपने वो नहीं पढ़ी। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो यू वुड नो कि जी प्रोबेबिलिस्टिकली हमने कंट्रोल ग्रुप और इसको अलहदा करना जो है ना, ये भी एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस का एक बड़ा अहम काम, ठीक है। क्योंकि हम जब इन सैंपल और कंट्रोल को करते हैं तो हम इसके लिए भी हमें कुछ मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स भी चाहिए, पहली बात तो ये रैंडमाइजेशन की, और फिर वो नीड चाहिए कि हम इसको कैसे अलहदा करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे 10^6 लोग और आप इनको अलहदा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आप इधर एक कॉइन मशीन लगा देते हैं मिसाल के तौर पे, कॉइन टॉसिंग मशीन, तो आप कहते हैं कि जी मैं कॉइन टॉस करूंगा, जब हेड आएगा तो इधर भेज दूंगा, जब टेल आएगी तो इधर भेज दूंगा। अब क्या होगा, फर्ज करें मेरे पास 10 6 नहीं है, बल्कि फिलहाल एक छोटी एग्जांपल लेते हैं 10। तो मैं देखिए, मैंने मैंने कॉइन उछाला, पहली दफा हेड आ गया, दूसरी दफा उछाला फिर हेड आ गया, ठीक है, तीसरी दफा उछाला टेल आ गया, चौथी दफा फिर हेड आ गया, पांचवी दफा फिर टेल आ गया, फिर एक और टेल आ गई, ठीक है, फिर इकट्ठे 3 हेड आ गए, फिर एक टेल आ गई। तो अब क्या हुआ, हेड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और टेल्स कितनी है, तो इसके मतलब मैंने 6 लोगों को इधर भेज दिया और 4 को इधर भेज दिया, ठीक है। अब मैंने ये एक्सपेरिमेंट अब आपने कर लिया और आपने मुझे दे दी और कहा कि जी हमारे रिजल्ट तो इस तरह से आए। अब जब मैं उसको रिपीट करने बैठा तो मैंने जो टॉइन मशीन बनाई तो मेरे 7 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, एक ये मसाइल भी है। फिर ये मसाइल, एक किस्म का मसला तो ये रिपीटेबिलिटी, दूसरी किस्म का मसला ये है कि ये रैंडमाइजेशन इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, क्योंकि मैं रैंडमाइजेशन सैंपलिंग तो नहीं है ना, रैंडमाइजेशन तो इनको तोड़ना है, ठीक है, रैंडमाइजेशन इज नॉट इटसेल्फ सैंपलिंग। आप तो सैंपलिंग के लिए एक रैंडमाइजेशन की टेक्निक यूज कर, तो आपका तो एम ये था कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल जो है वो 0.5 इधर हो और 1 - p इधर हो, लेकिन आपके पास वो एग्जैक्टली नहीं आती, वो लार्ज नंबर्स में आती। जब आप इधर चलेंगे ना तो फिर वो आ जाएगी, फिर भी देखिए क्या है, इस तरह तो नहीं आएगी ना कि 10^3 इधर और 10^3 तो क्लोज हो जाएगी। अभी तो देखिए 60-40 हो गई है, यानी 50-50 की बजाय क्या हो गई है, 60% और 40%। तो फिर क्या हो जाएगी, इतना बड़ा होगा तो शायद 51 और 49 हो जाएगी, तो जरा अच्छी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट हो सकता है 49.5 और 50.5 की। सो दिस विल ऑलवेज रिमेन अ प्रॉब्लम कि ये सैंपल का साइज कैसे हो, ये रैंडमाइजेशन का प्रिंसिपल क्या हो और इनको कैसे अलहदा किया जाए। तो का क्लेम ये किया जाता है कि रैंडमाइज ट्रायल्स जो है ना वो बस हल हो गया, यानी आप रैंडमाइज कर दें, तो इनको कहा जाता है स्ट्रॉन्गर क्लेम्स ऑफ रैंडमाइजेशन।
तो ये मैं आपको इन डेप्थ नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आपने अभी रैंडमनेस या स्टैटिस्टिक्स या प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी हुई, तो हम उसको मैं उसको अंदर नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि वो आपने बात अभी उसको आप प्रॉपरली नहीं शायद समझ सकेंगे, तो यू नीड अ लिटिल बैकग्राउंड ऑफ प्रॉबेबिलिटी। लेकिन फॉर जनरल पर्पस आपको ये तो पता है कि इसका रैंडमनेस का मतलब क्या है और हम सिंपल कॉइन्स की प्रॉबिलिटीज वगैरह ये काम तो आपने किए हैं। तो मैंने इसलिए वहां से एक सादा सी एग्जांपल ली कि आपके पास क्लेम करते हैं लोग के जी रैंडमाइजेशन हो गई रैंड, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज क्योंकि रैंडमाइजेशन ये देखती है कि बैकग्राउंड फैक्टर्स जो है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी ये आधे आधे करने से हमें क्या फायदा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यानी क्वेश्चन ये है कि आर बैकग्राउंड फैक्टर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल्स तो हमारा यही है ना साइंस एम्पिरिकल प्रिंसिपल के भाई बैकग्राउंड फैक्टर्स को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर आपने हमने देखा था वो फसल वाली एग्जांपल पीछे थी ना कहीं जो हमने उस दिन देखी, अब आप देखिए ना अगर आप फर्ज करें ये करते हैं कि जी ये फर्टिलाइज्ड है और ये बॉर्डर जोन्स है, अब देखिए ना इसमें यहाँ यही लिखा था बैकग्राउंड वेरिएबल गिवन, आप मर्जी से अगर ये फर्ज करें बड़ी जगह है और ये छोटी जगह है बॉर्डर जोन जो है वो डिफरेंट है, तो आप इसको तो नहीं छेड़ सकते ना। तो उस तरह के प्रॉब्लम जहां पे आप छेड़ सकते हैं वहां पे आप ये कहते हैं कि जी मैं रैंडमाइजेशन कर लूं और रैंडमाइजेशन करते ही शायद मेरा मसला हल हो गए। मगर ये क्वेश्चन फिर भी कई दफा अपनी जगह पे ही रहता है, यानी आपके पास ये तो हो जाता है कि सिलेक्शन बायस को आपने एलिमिनेट कर दिया, यानी हमने रैंडमाइजेशन क्यों कर रहे हैं, यानी हम यही बात है हमने की है ना कि जी आपने सिलेक्शन बायस जो है उसको खत्म कर दिया, यानी ये खत्म हो गई, उसके बाद जी आपने ये सारे आर्ग्यूमेंट खत्म हो गए कि जी आपका एक्सपेरिमेंट वीक है या खराब है, ठीक है, तो आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स जितने भी थे फॉर रिगिंग, यानी हम ये लोग ये कह रहे थे कि जी आपने एक्सपेरिमेंट में मुख्तलिफ बायसेस दिए हैं वो खत्म हो गए हैं, फिर आपने देखें अचीव कर ली ब्लाइंडिंग क्योंकि आपने कहा कि भाई मैंने अपनी मर्जी से तो इधर नहीं की है, मैंने तो रैंडमली किए हैं, कॉइन उछाला है और इधर इधर हो गए। हाँ तुम अगर कहते हो कि जी मैंने अपनी मर्जी से इधर किए हैं तो फिर यू कैन आस्क, ये सारे काम हमने ठीक है कर लिए, लेकिन फिर भी ये सवाल अपनी जगह पे बरकरार रहेगा कि आपके ख्याल में कोई भी जब रैंडमाइजेशन होगी तो लोग कहेंगे कि जी बैकग्राउंड फैक्टर्स तो फिर भी, सो यू शुड नो कि स्ट्रॉन्गर क्लेम्स जो होते हैं आरसीटी के उनको वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो यानी रैंडमनेस एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। और जो जब एविडेंस की कोई हायरार्की बनती है यानी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की, तो हमें नजर आता है कि रिव्यू भी एक चीज है, यानी हम सिस्टमेटिकली चीजों को देखते हैं, हम उनको रिव्यू करते हैं, ये भी हमारे लिए एक अहम काम होता है, जरूरी नहीं है कि हम इसमें रैंडमाइजेशन करें। हाँ हम ऐसे काम भी करते हैं जो नॉन ऑब्जर्वेशनल या मिलती जुलती एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती हैं, ठीक है, हम कभी ऐसा भी करते हैं कि हम स्पेसिफिक काम करना चाहते हैं, यानी कोहोर्ट पे स्टडी करना चाहते हैं, कोहोर्ट एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन ऑफ पीपल होती है या एक स्पेशल टेस्ट केसेस, ठीक है, जैसे हमारे केस में 3 अप्लायंसेस ही थे ना, तो उसमें तो रैंडमाइजेशन का कोई काम नहीं था, कोई क्या क्या उसमें रैंडमाइजेशन था। हाँ अगर आपने 50,000 वॉशिंग मशीन टेस्ट करनी हो फिर आपको ये इधर जाना पड़ेगा, ठीक है, तो कभी कभी सिंगल केस स्टडीज होती हैं, हम एक स्पेसिफिक केस ही के ऊपर एक्सपेरिमेंट, तो बहुत से काम कहने का मतलब है कि और भी होते हैं, रैंडमाइजेशन हर मसले का हल नहीं है, इट कम्स समवेयर हियर, ठीक। सो ये जस्ट मैंने ऐसी एड में डाली थी कि आपको एक किस्म का एक पिक्टोरियली पता अंदाजा हो जाए कि जी हम दूसरी सिचुएशन में इनको नहीं चला सकते, हमें पहले सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि क्या उसमें रैंडमाइजेशन की जरूरत है या नहीं है। सो दिस वाज ऑल, अब हम तकरीबन अपने लास्ट उस पे एंटर हो रहे हैं, और ये वाली दोनों स्टडीज आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट 2 और 3 लेक्चर्स ऑफ मॉड्यूल।
मॉडलिंग तो ट्राई करेंगे, 2 वीक्स में हम मॉडलिंग को खत्म कर। तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए, अदरवाइज फिर खत्म कर। जी फिजा, सर एक मेरा जनरल क्वेश्चन है कि सर हमारा जो करिकुलम है सर, इसमें हम एंशियंट डिस्कवरीज सर जो सदियों पहले डिस्कवरीज हैं वो पढ़ाते हैं, लेकिन मॉडर्न जब अभी के दौर में भी काफी डिस्कवरीज हो रही हैं, जैसे एलन मस्क का रेवोल्यूशनाइज कर दिया हर चीज को उसने, तो सर ये हम चीजें क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि मुझे पता है कि एलन मस्क का हमें किसी को पता भी नहीं होगा 90% को। तो यार एलन मस्क का इसलिए नहीं पढ़ते ना, क्योंकि देखिए अगर हम उसके लिए प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब आप लोग पढ़ते हैं ना, तो देखिए उसमें हमें जब जब चीजें करिकुलम का पार्ट बनती है ना, तो करिकुलम के पार्ट में ना चीजें वो लेनी पड़ती हैं जो बड़ी फाउंडेशनल चीजें होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं और जनरली उनकी बेस पे ना हम उन एग्जांपल्स की बेस पे हम कुछ प्रिंसिपल्स ड्रॉ कर सकते हैं। वो ये आप इसको इस तरह से लोगे, ये कोर्सेज आपको हेल्प करते हैं कि अब आप एलन मस्क के ऊपर हुआ हुआ काम या एलन मस्क की या कोई भी और किसी भी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटर की डिस्कवरीज को पढ़ने के लिए जो बेसिक वोकैबुलरी रिक्वायर्ड है ना, वो आपको मिल गई है। यानी देखो ना, ये भी तो एक अहम काम है ना, क्योंकि आपके पास जब आपको आपके पास वो वोकैबुलरी नहीं है तो फिर आप देखें उसको डिस्कस नहीं कर सकते। अब जाहिर है कि हम जब इन कोर्सेज को पढ़ते हैं तो इनका पार्ट टू इनका पार्ट थ्री तो नहीं होता, लेकिन आफ्टर दिस आई एम श्योर अगर आप कभी मुझे कहोगे कि सर अभी हम आपको हम एक मुश्किल चीज पढ़ रहे हैं एंड यू विल मेल मी कि सर इसका क्या मतलब है, तो आप देखिए आप उस मुश्किल की पहली जंप को क्रॉस कर देंगे, यानी आप उसकी वोकैबुलरी में बॉग डाउन नहीं होगे। अगली दफा जब कोई लफ्ज लिखा नजर आएगा ना इंटरनल वैलिडिटी, तो आप कहेंगे ओके जी ये मैंने पढ़ा हुआ है, ओके मुझे याद नहीं रहा बट आई नो मैंने पढ़ा था आज से 2 साल पहले, तो आई विल गो बैक एंड रीड माय नोट्स, वहां पे लिखा हुआ था। एक्सपेरिमेंट्स की जर्नल बॉडी जर्नल प्रिंसिपल्स की आपको समझ आ जाएगी। तो दैट इज वाई जब हम ये पढ़ाते हैं चीजें तो हम उनके ऊपर, इसीलिए मैंने आपके कोर्स में आप देखें साइड लाइन पे चीजें रखी हैं, जैसे आपको पीटर मैंडेवर का पता चल गया, कई नोबेल लॉरियट्स का पता चल गया जिनका फाउंडेशनल काम था। तो ये मेरा रीजन ये है, मतलब और जाहिर है कि इस तरह के कोर्स भी डिजाइन किए जा सकते हैं, लेकिन वो शायद थोड़े कॉम्प्लेक्स लेवल पर होंगे, फिर वो लेवल मतलब अच्छा ग्रेजुएट लेवल होगा जिसमें लोग बेसिकली सब कुछ जानते हों। और आई एम श्योर जब आप फिलोसफी ऑफ साइंस वगैरह के कोर्स पढ़ते हैं तो उनमें ऐसी केस स्टडीज होती हैं जो मॉडर्न डिस्कवरीज पे होती हैं। जैसे अब हमने आज एक प्रोब ए को देख तो लिया ना एटलीस्ट, तो मतलब इट्स अ रिलेटिवली मॉडर्न स्टडी, यानी बहुत एंशियंट नहीं है। और इसी तरह हमने मिकेलसन मॉडले देखा, तो अब देखें वो एक बेसिक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो हम अगर उनको छोड़ देंगे तो फिर तो हमें बेसिक प्रिंसिपल्स भी आराम से समझ नहीं आएंगे ना। टेस्ला का मैंने आपको कहा था, वो भी पिछली सदी का ही है, तो ये दैट इज द रीजन, और कोई ऐसी बात नहीं है। जरूर हम पढ़ सकते हैं, मस्क भी पढ़ सकते हैं और वी कैन अदर मैनी अदर इनोवेटर्स एज वेल।